तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पाल आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे हनुमान जी का भजन, जय हो पवन कुमार तेरी शक्ति है अपार। ये भजन सीखेंगे, तो इसे हम एफ शार्प से सीखेंगे यानी तीसरी काली से। जो गाने की ओरिजिनल स्केल है वो भी यही है एफ शार्प, तो यहीं से सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कौन कौन से स्वर यूज होंगे। सा शुद्ध रे कोमल गा, माँ पा कोमल धा, और ये तार सप्तक का सा कोमलनी यूज नहीं होगा, और मंद्र सप्तक में कोमलनी और कोमल धा यहाँ तक आएगा। अपना काम तो नी तक हो जाता है, म्यूजिक पीस में ये कोमल धा यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से यही विनती है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। शुरू में एक लाइन बोली गई है, जय हो पवन कुमार तेरी शक्ति है अपार। फिर इसके बाद में म्यूजिक है, फिर उसको देखेंगे, फिर मुखड़ा और अंतरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं प्ले करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको स्लो मोशन में बताऊँगा। तो दोस्तों इसे देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। अब इसके बाद में मुखड़ा और अंतरा देखेंगे। मुखड़े और अंतरे के बीच में जो फिलर पार्ट है उसे भी देखेंगे। तो चलिए मैं पहले प्ले करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद में आपको स्लो मोशन में बताऊँगा।
इसे देखते हैं दोस्तों किस तरह से प्ले होगा। अब इसके बाद में अंतरा, यहाँ से अंतरा स्टार्ट होगा यहाँ से, तो अंतरे को देखते हैं। तो दोस्तों इसे देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। तो दोस्तों जो इसकी अगली अंतरा वो भी यहीं से स्टार्ट होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो के थ्रू इस भजन को आसानी से अपने कीबोर्ड या हारमोनियम पर प्ले कर लेंगे। आपको कोई समझने में दिक्कत हो रही या फिर मैं कुछ थोड़ा फास्ट प्ले करता हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं उसे उस चीज़ की गलती को मैं सुधार करूँगा थोड़ा स्लो में और बताऊँगा। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।